जब आपको ध्यान हो कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस 32 के खतियान को लागू स्थानीयता के परिभाषा पे किया। कई एक लोग कोर्ट चले गए, उसी आंदोलन की उपज आपको पता है कि बंधु तिर्की से लेके चमरा लिंडा तक हुई, और कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हाई कोर्ट का है, झारखंड हाई कोर्ट का, उसने कहा कि 32 का खतियान जो है वो गैर संवैधानिक, ये स्थानीयता की परिभाषा जो है वो गैर संवैधानिक। कोर्ट ने एक नई बात कही, कोर्ट ने कहा कि ये जो राज्य है, इस राज्य का कई एक बार बंटवारा हो चुका है। सबसे पहले तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का बंटवारा हुआ, तो जो ढाका के लोग थे उनको तो ये नहीं पता था, जैसे आप देखें ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तो बांग्लादेश के ही हैं, यहाँ आ गए, वो आजादी के पहले आ गए, तो उनको तो ये उस वक्त नहीं पता था ना कि अब भारत दो देश हो जाएगा। या लेकिन जब बंटवारा हुआ ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का, लेकिन उसके पहले 1900 के आसपास किसी को ये तो थोड़े पता था कि ये हमारा राज्य नहीं है, तो एक बार वो बंटवारा हो गया। 1912 के आसपास इस राज्य का बंगाल और बिहार में बंटवारा हो चुका, उस वक्त भी कलकत्ता के लोगों को ये नहीं पता था। अब आपको बता दें कि मधुपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही घर है, रविनाथ टैगोर यहाँ शांति निकेतन खोलना चाहते थे, ज्यादा बंगालियों का यहाँ घर है, उसको भी बेचारे को नहीं पता था कि ये अलग राज्य बन जाएगा। इसके बाद 1936-37 में इसका उड़ीसा के साथ बंटवारा हो गया, तो कई एक आप उड़ीसा के भी लोग देखेंगे, भुवनेश्वर के लोगों को ये कैसे पता था कि यहाँ का बंटवारा हो जाएगा, तो उन्होंने जमीन लगा, जगह लगा, उनको तो लगता था कि उनका राज्य है। और उसके बाद बिहार और झारखंड का बंटवारा 2000 में, अब राज्य का जो परिसीमन है, ये परिसीमन का अधिकार राज्य का नहीं है, ये केंद्र का है। यदि मान लीजिए कल को ये हंगामा हो जाए कि छोटा नागपुर अलग राज्य हो जाए और संथाल पन्ना अलग राज्य हो जाए, तो ये डिसाइड जो है यहाँ की राज्य सरकार नहीं करेगी, ये डिसीजन जो है केंद्र सरकार लेती है। तो इसीलिए नागरिकता सिटीजनशिप एक होता है, लेकिन जिस राज्य का वर्षों वर्षों बंटवारा हो चुका है, आज यदि संथाल पन्ना और छोटा नागपुर बंटवारा हो जाए, तो क्या दुमका के जो लोग रांची में रहते हैं उनके लिए डोमिसाइल आप नया ढूंढ लेंगे? तो डोमिसाइल नहीं हो सकता। आप नौकरी के लिए जो बातें कहना चाहते हैं, उस नौकरी के लिए आप आज नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जैसे मैं आपको बताऊं, अडानी है चूंकि मेरे क्षेत्र में है, और जिन्होंने कुछ नहीं किया आज वो सब रोजगार, जिन्होंने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, यही प्रदीप यादव को 6 महीने के लिए हमने जेल में बंद कर दिया, फिर अडानी आया, ये सबों को पता है। लेकिन आज जब आ गया अडानी प्लांट, तो एक अनार 100 बीमार है। अब आप देखें कि वहां 800 लोग की ही नौकरी हो सकती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्लांट, वो 800 लोगों के लिए कल 8000 जो है एप्लीकेशन आ गए, एक उदाहरण है। और यदि बड़े पैमाने पर आता, जबकि कई एक लोग विरोध कर रहे थे, तो कम से कम आप समझिए कि उस जिले में 30,000 35,000 एप्लीकेशन आ जाए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि उस 800 लोग में जब मैं नौकरी की बात करता हूं, तो मैंने कई एक अपने लोग हैं जो देवघर के थे, उनको मैंने नौकरी लगाई, कई एक दुमका के लोग थे जिनकी नौकरी लगाई। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने मान लीजिए कि यदि 25 लड़कों की नौकरी लगाई, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो 25 में से लगभग लगभग 25, एक आध अपवाद तो सब जगह रह जाता है, 25 के 25 ने वहां नौकरी छोड़ दी, अडानी की नौकरी छोड़ दी। तो क्यों छोड़ दी? मतलब देवघर का आदमी गोड्डा में काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट है वो 13,000 14,000 15,000 17,000 मिल रहा है, वहां कोई माहौल नहीं है, कोई अच्छा घर नहीं मिलता है, और इस कारण से कोई गोड्डा में काम करने को तैयार नहीं है। तो जो मेरा ये कहना है कि जो नौकरी है वो 100 की 100% स्थानीय लोगों को नौकरी है, 100 की 100%, लेकिन राजनीति है। तो वही मैं कह रहा हूं कि 32 के खतियान में जिसको चपरासी बनना है, जिसको किरानी बनना है, क्योंकि वो चपरासी और किरानी बनने की बात करते हैं।
दुमका में 10,000 15,000 में कौन नौकरी करने के लिए आएगा? जो दुमका का स्थानीय आदमी होगा वही नौकरी करेगा, नहीं तो वो चला जाएगा दिल्ली बम्बे कलकत्ता कमाने के लिए, उसको तो पर डे जो है मजदूरी ही इतना मिलेगा। मैं उसी पर आ रहा हूं कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यदि 32 यदि गैर कानूनी नहीं, एक तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है आपने उसको चैलेंज नहीं किया, तो आपने जो कुछ भी बिल पारित किया वो गैर कानूनी है, लेकिन हम उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। आज आप में क्यों नहीं हिम्मत थी कि आज से आपने 1932 का खतियान लागू कर दिया और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आपने क्यों डाला? और आपको कहना चाहिए था कि डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर BDO CEO DSP जो भी बनेगा स्थानीय बनेगा, वो किरानी क्यों बनेगा, वो चपरासी क्यों बनेगा? आप यहां के स्थानीय लोगों को किरानी और चपरासी क्यों बनाना? तो इसका मतलब यह है कि उसको स्थानीय लोगों को नौकरी देनी नहीं। नौमी ना राधा को नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नौमी अनुसूची की जो समस्या है, एक तो उसके लिए प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।